हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके डेसिमल्स एंड परसेंटेज क्या है। आइए उससे पहले जानते हैं डेसिमल्स कैसे लिखे जाते हैं। डेसिमल्स 1000th ऑफ अ पार्ट को हम कैसे समझेंगे। व्हेन अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 1000 पार्ट्स, यहाँ पर देखिए आपके फिगर में एक स्क्वायर है जो कि 1000 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं 1000 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। नाउ व्हेन अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 1000 पार्ट्स देन द फ्रैक्शन फॉर वन पार्ट इज रिटन एज 1/1000। अब फ्रैक्शन आपको पता है एक पर्टिकुलर पार्ट एक पूरे होल का, तो आपका इस फिगर में कितने यूनिट्स है, टोटल 1000 है। और उसका अगर हम एक पार्ट जानना चाहेंगे तो वो होगा 1/1000, ठीक है। वन यूनिट अपॉन द होल, दैट विल गिव यू द फ्रैक्शन। सो 1/1000 एंड इज रेड एज 1000th, TH लगता है 1000th जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं। अब ये तो हुआ एक पार्ट। अगर हुआ इफ फाइव पार्ट्स ऑफ 1000 ग्रिड आर शेडेड, यहाँ पर एक पार्ट हुआ तो 1/1000 हुआ। उसी 1000 वाले स्क्वायर से अगर पांच यूनिट का हमने शेड किया, 1, 2, 3, 4, 5, फाइव यूनिट्स को अगर शेड किया तो हमारा आया 5 parts आर शेडेड आउट ऑफ टोटल 1000। सो 5/1000, इसको हम लिखते हैं 0.005। अभी के लिए बस आप जानिए कि डेसिमल में फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। हम डिटेल में डेसिमल्स को अभी समझेंगे। सो इफ 5 parts ऑफ 1000 ग्रिड्स आर शेडेड देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 5/1000 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। ये जो है आपका फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ एंड 0.005 आपका डेसिमल फॉर्म हुआ। इसी को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नंबर्स दिए गए हैं डिजिट फॉर्म में, इनका नंबर नेम हमें लिखना है। तो 58.32 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो पॉइंट के इस तरफ है हम लिखेंगे 58, उसके बाद पॉइंट पढ़ेंगे, ये जो डॉट है इसको हम पॉइंट पढ़ते हैं, इसीलिए पॉइंट के जो लेफ्ट में है उसको हम पूरा पढ़ेंगे 58, फिर पॉइंट पढ़ेंगे, फिर पॉइंट के जो राइट साइड पे है उसको हम 32 नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे 0.32, ठीक है। यही है हमारा डेसिमल्स चैप्टर का बेसिक्स, कि जो पॉइंट के बाद आता है वो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और उनको हम 0.32 नहीं पढ़ेंगे, या जो भी है हम पढ़ेंगे 0.32, या फिर उसको हम लिख सकते हैं और 58 and 3/10 and 2/100। ये भी मैं समझाने वाली हूँ कि ये कैसे हुआ। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 365.429 को हम कैसे पढ़ेंगे, 365.429 इसको हम नहीं पढ़ेंगे, 365.429 इज रॉन्ग, 365.429। अब राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, 649 and 2/10 8/100 इसको हम कैसे लिखेंगे, एंड देखिए जो है आपका पॉइंट के लिए स्टैंड्स फॉर योर पॉइंट, इसीलिए एंड से पहले जो है उसको हम लिख देंगे 649 लिख दिया हमने 649। अब एंड के जगह पे एक पॉइंट लगाएंगे 2/10 and 8/100। 2/10 मतलब डेसिमल के जस्ट बाद आपका टेंथ वाला प्लेस आता है, टेंथ्स। सो ये 0.2 हो गया। फिर उसके बाद जो सेकेंड प्लेस होता है वो हंड्रेड्स का प्लेस होता है, हंड्रेड्स THS का होता है, तो वो हो जाएगा आपका 8। सो 649.28। वैसे ही 86.561, 86 को 86 लिखेंगे, पॉइंट को डॉट की तरह लिखेंगे एंड 561 ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी हाउ टू प्लेस द डेसिमल्स ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट।
उससे पहले हम जानेंगे कि 1000, 100, 10s and 1s को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे डाला जाता है। ये आपको आता ही है स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग योर मेमोरी। अगर 1000 है तो आप क्या करेंगे, गिनेंगे कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4 डिजिट्स है, मतलब आप 1000 से स्टार्ट करेंगे, 1000s, 100s, 10s and 1s। सो इस 1000 को कैसे प्लेस करेंगे, 1 को 1000s के नीचे, 0 को 100s के नीचे, फिर दूसरा 0 टेंस के नीचे और तीसरा 0 वंस के नीचे। बट नॉर्मली इट इज़ रिटन, ये जो 0 पहले वंस के कॉलम में, फिर टेंस वाला ये वाला 0 यहाँ पर आएगा, फिर ये जो हंड्रेड्स प्लेस का 0 हंड्रेड्स में आएगा और 1 का थाउजेंड्स में आएगा। हमेशा इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आप प्लेसमेंट करेंगे, 1s, 10s, 100s, 1000s करके प्लेस करेंगे। वैसे ही 100 में स्टूडेंट्स कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो आप 100 को कैसा लिखना शुरू करेंगे, पहले 0 को 1s के नीचे डालेंगे, फिर दूसरे 0 को 10s के नीचे डालेंगे और फिर 1 को 100s के कॉलम के नीचे डालेंगे। वैसे ही 110 मतलब 10 उसको कैसे लिखेंगे, पहले ये 0 1s के कॉलम में लिखेंगे, फिर ये 1 को 10s के कॉलम में लिखेंगे और 1 को आपको पता है 1 के नीचे ही लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे डालते हैं। रिमेंबर द पोजिशंस दैट एंड विद अ TH और THS आर डेसिमल वैल्यूज लेस देन 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट जो भी, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था 2, 10s, 8, 100s, ये आपका 1 से कम है, ठीक है, इसीलिए डेसिमल्स में आते हैं। एनी नंबर विच हैज़ TH और THS, दैट मीन्स टेंस एंड हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ठीक है, ऐसे सब ये सब 1 से नीचे है और ये डेसिमल के राइट को आते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब ये तो हो गया हमारा टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट कैसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में डालते हैं। आइए आगे देखते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल्स को कैसे डाला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, जो भी TH में एंड कर रहे हैं मतलब वो 1 से कम है, ठीक है, तो 1/10th इज रिटन एज 1/10, 1/100th इज रिटन एज 1/100, 1000th इज रिटन एज 1/1000। और ये जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स है उसको हम डेसिमल चार्ट के प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे डालते हैं। अब देखिए 1/10th मतलब ये जो सारे आपके ज़ीरो हैं उसके बाद आपका डॉट जो कि डेसिमल को सिग्निफाई करता है वो आता है। अब उसके बाद क्योंकि 1/10th है तो आपका टेंथ्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स करके स्टार्ट होता है आपका डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये 1/10th है तो आप टी के नीचे 1 डालेंगे। सिमिलरली 1/100th मतलब आप देखिए यहाँ पर टेंस के नीचे 0 लगाएंगे और हंड्रेड्स में 1 लगाएंगे क्योंकि 1/100 से, तो ये जो 1 है आपका हंड्रेड्स कॉलम में आएगा। सिमिलरली 1000th मतलब 1000 के प्लेस में 1 आएगा और बाकी 2 0 हो जाएंगे, तो 1000th जो है कैन बी रिटन एज 0.001, 1/100th कैन बी रिटन एज 0.01, 1/10th कैन बी रिटन एज 0.1। दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये आपका बेसिक है डेसिमल के जो राइट को आते हैं आपको याद रखना है कि वो आपका 1 से कम नंबर्स है, ठीक है, तो इसीलिए जो डेसिमल से राइट में शुरू होता है आपका प्लेस वैल्यू चार्ट वो आपका शुरू होता है टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। और नॉर्मल हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है जो कि डेसिमल के लेफ्ट में होता है, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। यहाँ पर डेसिमल के राइट में वंस क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेसिमल जो होता है वो 1 से कम होता है, देयरफॉर योर प्लेस वैल्यू चार्ट विल स्टार्ट विद टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स इस तरफ ऐसे डेसिमल के राइट साइड को और डेसिमल के लेफ्ट साइड को वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट इन वर्ड्स द फॉलोइंग डेसिमल्स गिवन इन प्लेस वैल्यू टेबल। हमें एक डेसिमल्स का एक नंबर दिया गया है जिसको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में भरना है, 10,000s,
थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, उसके बाद आपका पॉइंट आया जो कि डेसिमल है, और फिर डेसिमल के बाद हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, अब हमें इस नंबर को वर्ड्स में पढ़ना है। अब टेन थाउजेंड्स के नीचे फोर दिया है, थाउजेंड्स के नीचे सेवन, हंड्रेड्स के नीचे टू, टेंस के नीचे थ्री एंड वंस के नीचे फाइव। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं बच्चों, आपको पता है, 47,235। वी रीड इट एज 47,235। उसके बाद ये जो डेसिमल डॉट होता है उसको हम पढ़ते हैं एंड। ठीक है, एंड उसके बाद हमें पता है इस ऊपर वाले प्लेस में वैल्यू चार्ट से हमने पढ़ा था कि डेसिमल के बाद आता है आपका टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पॉइंट को हमने एंड पढ़ा, एंड टेंथ्स प्लेस में क्या है, वन, सो वी विल राइट एस एंड वन टेंथ, हंड्रेड्स प्लेस में टू हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस में क्या है, फोर, सो फोर थाउजेंड्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अब इसको एक्सपैंडेड फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 47235.124 ऐसे लिखते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू अ फ्रैक्शन उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब 47235 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका है फोर थाउजेंड, देखिए यहाँ पर देखिए 4 10,000, सो 40,000, 4 × 10 40,000 प्लस 7 × 1,000 7,000 प्लस 2 × 100 200 प्लस 3 × 10 30 प्लस 5 × 1 5। ये तो हो गया आपका प्लेस फ्रैक्शनल फॉर्म टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। उसके बाद प्लस करेंगे ये वाले डेसिमल्स वाले, प्लस वन टेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10, प्लस 200th को कैसे लिख सकते हैं, 2/100, फिर 4,000th को कैसे लिखते हैं, 4/1,000। तो दिस इज़ हाउ यू विल राइट द डेसिमल पॉइंट्स टू द राइट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। द होल नंबर पोर्शन ऑफ अ डेसिमल नंबर आर दोज डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस। ये सब आपके होल नंबर्स हैं, द होल नंबर पोर्शन ऑफ अ डेसिमल नंबर आर दोज डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। अब देखिए ये डेसिमल है, इसके लेफ्ट में सारे आपके होल नंबर्स हैं, और ये आपके क्या है, डेसिमल पॉइंट्स में है। सेकेंड वाला देखेंगे एग्जाम्पल, राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, 28.49 को आप देखिए, यहाँ पर 28 के बाद पॉइंट है, सो पॉइंट के लेफ्ट में सारे होल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर देखिए ट्वेंटी इज़ गिवन। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट के नंबर्स आपके सारे होल नंबर्स हैं, उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में 8 इज़ इन योर वंस प्लेस, 2 इज़ इन योर टेंस प्लेस। ओके, सो हाउ विल यू राइट दिस, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10 प्लस 8 × 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 × 10 इज 20 प्लस 8 × 1 इज 8। ठीक है, इस डेसिमल के इस तरफ वाला आपका हो गया। अब हम 0.49 को कैसे लिखेंगे, हमें पता है डेसिमल के बाद क्या हो जाता है, टेंथ हो जाता है, हंड्रेड्स हो जाता है, और फिर थाउजेंड्स हो जाता है, TH इज प्लेस्ड ओवर हियर। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 4, जो है आपका लिख सकते हैं हम 4/10, क्योंकि पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट के बाद है वो सारे आपके 1 से कम है, इसलिए आपका शुरू होता है टेंथ से, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, सो 0.4 कैन बी रिटन एज 4/10। एंड ये 9 को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस में है, 9/100, इसीलिए हम टोटल ये जो नंबर 28.49 है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 8 जो यहाँ से निकाला, प्लस 4/10 जो यहाँ से निकाला,
plus 9 by 100. Is this not the same thing as 28 plus 0.4 plus 0.09? ये इसी चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों।